बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश बात रखे, आमीन। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ चनोटी चिकन कौरमा, जो चनोट में इस तरह से बनाया जाता है, मैंने इसी तरह से बनाया है। किस तरह से मैं बनाया चलाए, मेरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने 3 पाव चिकन लिया है, टमाटर है, प्याज है। अब इसमें मैंने घी शामिल करना है, क्योंकि जो चिकन कौरमा आता है वो ज़्यादातर घी में अच्छा लगता है। 1 कप मैंने घी का लिया, वो शामिल कर रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने 2 बड़ी प्याज ली है, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। उनको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा तेज ब्राउन नहीं करना, फिर मसाला ब्लैक काला हो जाता है। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, और साथ में इसमें मैंने 3 टमाटर लिए, वो भी शामिल कर रही हूँ इसी तरह, क्योंकि ये भी हल्के फ्राई हो गए, टेस्टी हो जाते हैं इससे बहुत। टमाटरों को भी फ्राई करना है साथ में, बस 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई कर लूँ, फिर इनको निकालूँगी ठंडा होने के लिए। आँच को मैंने हल्का कर दिया, और अब मैं टमाटर की प्याज को मैं निकालना शुरू कर दूँगी। आप चाहे तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घी में शामिल कर रही हूँ चिकन कौरमा, और साथ ही मैंने घी में चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन के पीसेस आप बड़े या छोटे रख सकते हैं, मैंने इसी तरह रखे, क्योंकि फ्राई करते पकाते चिकन छोटा हो जाता है, इसलिए सुगड़ जाता है जिसे कह रही पकाई के दौरान। तो 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो गई। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन की शामिल की है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने अदरक की शामिल कर दी, 1 टीस्पून मैंने लहसुन का और 1 टीस्पून मैंने अदरक का शामिल किया, क्योंकि चिकन ज़रा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा शामिल कर दूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ लहसुन अदरक को, के साथ ही मैं मसाले हैं वो शामिल करूंगी। चार से पांच मैंने छोटी इलायची ली है, बड़ी इलायची ली है, तेज पत्ता लिए, 2 टीस्पून मैंने खुशक दी, 1 टीस्पून मैंने जीरे के लिए, 10 से 12 मैंने काली मिर्ची ली है, दालचीनी ली है मैंने कुछ टुकड़े, बादियां गप्पू वो साथ इसमें मैं शामिल कर दी, उनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर ली। और मैंने नमक की शामिल की, 1.5 चम्मच छोटी मैंने नमक की शामिल की है, क्योंकि हमारा नमक हल्का है, इतना तेज नहीं है। स्पून इसमें मैंने लाल मिर्चों का पीसा हुआ शामिल कर दिया, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी की शामिल की। नमक मिर्च कम से ज्यादा आप रख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही मैंने इसमें अच्छी तरह मसाला फ्राई हो गया, पक गया, 1 कप मैंने 1 प्याली इसमें मैंने दही की शामिल की है, अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँ, भून लूँ अच्छी तरह से मसाले को, अच्छी तरह से दही और मसाला पक जाए, खुशक हो जाए।
दही में मैंने जो शामिल की है काफ़ी पानी है, ये मैंने जो प्याज टमाटर मैंने फ्राई किए थे वो ग्राइंड कर लिए, वो भी इसी के साथ ही शामिल कर दिए ताकि वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चिकन में और पक जाए। साफ गर्म मसाले में जो मैंने आपको दिखाया इसमें मैंने 3 से 4 मैंने लौंग भी शामिल किए थे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया, घी ऊपर आना शुरू हो गया और साथ इसमें मैंने आधी टीस्पून, इसमें मैंने आधी टीस्पून कोरमे की शामिल कर ली है और आधी टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल कर लिया। हाथ से मैंने कुटा मोटा मोटा सा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, आधी टीस्पून अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से बहुत टेस्टफुल शादियों वाला कोरमा इस तरह तरीके से लगता है। घी ऊपर आ जाए फिर इसमें मैंने पानी शामिल करना है, तरह से मसाला पक गया अब इसमें मैंने पानी शामिल करना है। 1 गिलास इसमें मैंने पानी का शामिल किया क्योंकि पहले भी चिकन पक गया, बस 2 से 4 मिनट और इसी तरह से पकाई होगी। अच्छी तरह से हमारा कोरमा पकना शुरू हो गया, बस और 2 से 3 मिनट इसी दौरान इसमें मैंने हाफ कप इसमें फ्रेश दूध शामिल करना है। आप चाहे तो डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से दूध पक जाए और ग्रेवी तैयार हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छी तरह से चिकन कोरमा तैयार है, बन गया। अब इसमें मैंने हरी मिर्च और कुछ धनिया शामिल करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 से 4 साबुत हरी मिर्च शामिल की, इनको मैंने पकाना नहीं है, सिर्फ इनका फ्लेवर और टेस्ट देना, बस इतना धनिया काफ़ी है। और अब मैं चूल्हे को बंद करती हूँ, 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन चिलौटी कोरमा तैयार है। हर कोई अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक बनाते हैं, कम से ज़्यादा आप रख सकते हैं। कोई बीफ बनाता है, कोई चिकन कोरमा बनाता है, कोई मटन कोरमा बनाता है, हर किसी का अपना तरीका है, अपना टेस्ट है। मैंने अपने तरीके से बनाया है, इस तरह मैंने बनाया, आप इस तरह से एक दफ़ा बना के देखें। मेरी रेसिपी को देखा करें, शेयर किया करें, मेरी YouTube से रिक्वेस्ट है, मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी को देखा करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट भी कर दिया करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।